अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आंटी, कहाँ चले गए थे आप दोनों? पता है आपको और नैना को कितना याद करती हूँ। आज भी आपके हाथ के बने राजमे को याद करती हूँ। नैना कहाँ है? उसका फोन भी नहीं चल रहा, सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है। पुत्र, नैना कई सालों से गायब है। नैना गायब है? आंटी जी, आपने लास्ट कब देखा था उसे? हमेशा की तरह उस दिन वो काम पे गई थी, लेकिन लौट के वापस नहीं आई। पता नहीं वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरे बच्चे को गायब कर दिया, लेकिन वो बड़े खतरनाक लोग हैं। उन्होंने मुझे पागल साबित करके पागल घर में भेज दिया। मरीज होते हुए भाग के आ रहे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कौन थे वो लोग? गुरुद्वारे में सबसे पूछना कि किसी ने पागल औरत को देखा क्या। वो बच के जाने नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन लोगों ने मुझे वापस यहाँ देख लिया ना, तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे बचा ले पुत्र। जीते, तेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है क्या? कमो आंटी कुछ दिनों के लिए तेरे घर पे रुक सकती है। हाँ जी हीर जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आ जाओ माँ जी, चलो चलो। जी मैं ऑटो लेके आना। हाँ जल्दी जा। तलाश जा रही है, मगर वो यहाँ गुरुद्वारे के आसपास में कहीं नजर नहीं आ रही है। दिखा मुझे कौन से गुरुद्वारे में हो तुम लोग। कम्मो, सूरज सिंह अपने पीछे देखो। मैडम जी माफ करे हो, पर वो यहाँ कहीं नजर नहीं आई। सूरज सिंह तुम्हारे पीछे थी, वो मैंने अभी अपनी आंखों से खुद देखा है। ढूंढो उसे। मैडम जी तुसी फिक्र ना करो, मैं उसको जरूर ढूंढ लूंगा। क्या मुसीबत है, उम्र के साथ सब निकम्मे होते जा रहे हैं। की होया मम्मी जी, तुसी बड़े परेशान लग रहे हो। ते जी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई तू? मम्मी जी आप ही ने तो कहा है कि मुझे दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं परेशान हो गई थी, आपको चिल्लाते हुए सुना तो देखने आगे कि सब ठीक है ना। मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है पुत्र, वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था ना, सूरज सिंह से बात हो रही थी इसलिए चिल्ला रही थी जोर जोर से। मेरा भी ना दिमाग खराब हो गया है। ऐसा सब छोड़, तू सगाई की तैयारी कर, है ना। मम्मी जी
आपको मुझ पे भरोसा है या नहीं। कमाल की गाल कर रही है, तू है तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, सगाई की सारी तैयारियां मैं खुद कर लूंगी। अटवालों के घर की ये शादी लोगों को उम्र भर याद रहेगी। आई प्रॉमिस। शाबाश पुत्र, ध्यान रखो आप। जा जा जा, बहुत कम है तेरा। अगर वो कम हो, मीडिया या पुलिस दे कोल पहुंच गए तो अटवालों को वैसे भी किसी ने नहीं बोलना। हेलो माजी, अदरक वाली चाय ये पी के ना फ्रेश हो जाओगे। आंटी जी, पहले मैंने दसो नैना कब और कैसे गायब हुई? कुछ सालों पहले की बात है, नैना की कंपनी J&J फार्मा, वहां उसकी तरक्की होने वाली थी। मेरी बच्ची बहुत खुश थी। उस दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज वो ऑफिस जाएगी और वापस ही नहीं आएगी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। कई बार मैं पुलिस स्टेशन गई, लेकिन हर बार मैं मायूसी लौटी। मेरी जवान बेटी के गुम होने के बाद उसी गम में मेरी जिंदा लाश बन गई। आंटी जी, आप चिंता मत करो, अब मैं हूं ना, मैं ढूंढ निकालूंगी नैना को। मेरी नैना हमेशा कहती थी कि अपनी हीर शेरनी है शेरनी, वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है। पुत्र, अब सारी उम्मीदें तुझसे ही है। आंटी, काश मुझे इस बारे में पहले से पता होता, लेकिन चाहे जितनी देर हुई हो, मैं हमारी नैना को ढूंढ निकालूंगी। और जिसने भी नैना के साथ गलत किया है ना, उसे सजा दिलाऊंगी। पुत्र, तू भी जानता था ना मेरी नैना को? हाँ जी माँ जी, सहेली तो हीर जी की थी, पर हर साल आके मुझे राखी बांधती थी। आंटी जी, आपने क्या बताया था, जिस कंपनी में नैना काम कर रही थी, हाँ, उसका नाम क्या था? J&J फार्मा। J&J फार्मा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।